मोत्ता नवास, जन्म 1966, एक भारतीय सीरियल किलर है जिसने जून और अगस्त 2012 के बीच केरल के कोल्लम शहर में हत्या को अंजाम दिया था। फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को सोते समय पीट पीट कर मार डाला गया था। सभी हत्याएं रात में हुई और पत्थरों या कठोर कुंद वस्तुओं का उपयोग करके की गईं। नवास को हत्या के आरोप में पहले ही दो बार दोषी ठहराया जा चुका था। 1996 में उन्हें कोल्लम के मुंडक्कल में राजशेखरन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया और 4 साल की जेल हुई। कोई गवाह न होने के कारण उसे बरी कर दिया गया। 2007 में उसे शहर के कारिकोड में एक शमीर की हत्या के आरोप में फिर से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और दोषी ठहराया गया। जून 2012 में कोल्लम शहर और आसपास के इलाकों में क्रूर हत्याओं की एक श्रृंखला ने शहर को हिलाकर रख दिया था। फुटपाथ और झोपड़ी में रहने वाले लोगों को सोते समय पीट पीट कर मार डाला गया था। सभी हत्याएं रात में हुई और पत्थरों या कठोर कुंद वस्तुओं का उपयोग करके की गईं। नशे का आदि नवास रात 8 बजे तक सो जाता था और आधी रात को उठकर पीड़ितों को निशाना बनाते हुए शहर में घूमता था। पहली हत्या 6 जून की रात को की गई थी। पीड़ित की उम्र लगभग 65 वर्ष थी। जब वह निर्माणाधीन SP ऑफिस फ्लाईओवर के नीचे सो रहा था, तब उसके सिर पर एक बड़े पत्थर से वार किया गया था। दूसरी हत्या अगली रात एक दुकान के बरामदे में की गई। पीड़ित अपुकुट्टन आचार्य की गर्दन के पिछले हिस्से पर हमला किया गया, जिससे रीढ़ की हड्डी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। तीसरी हत्या 18 जून की रात को SP ऑफिस फ्लाईओवर के नीचे हुई। 65 वर्षीय बॉन्डन कुमार के सिर पर पत्थर से वार किया गया। 3 अगस्त को सस्थामकोटा के मूल निवासी 55 वर्षीय थंकप्पन एक बस प्रतीक्षालय के अंदर मृत पाए गए। जब नवास ने हमला किया तो वह शेड में सो रहा था। पांचवीं हत्या 21 अगस्त की रात को चिन्नक्कड़ा में नगरपालिका भवन के बरामदे में की गई थी। 45 वर्षीय सुदर्शन के सिर पर पत्थर से वार किया गया था। नवास ने 2 और हत्याओं का प्रयास किया था, लेकिन पीड़ित घायल होकर बच गए। दूसरी हत्या के तुरंत बाद पुलिस को नवास पर शक हुआ और उसे हिरासत में ले लिया गया। नवास ने मानसिक रूप से विक्षिप्त होने का नाटक किया और इसलिए पुलिस ने उसे तिरुवनंतपुरम के एक मानसिक आश्रय में भर्ती कराया। हालांकि वहां मनोचिकित्सकों ने उसे मानसिक रूप से स्वस्थ पाया और उसे छुट्टी दे दी गई। वह कोल्लम वापस आया और कथित तौर पर अन्य हत्याएं की। पुलिस की रात्रि गश्ती टीमों ने नवास को उन दिनों शहर में घूमते हुए देखा था, लेकिन पुलिस पार्टी को देखकर उसने मानसिक बीमारी का नाटक किया और पुलिस ने उसे नजरअंदाज कर दिया। लगभग एक पखवाड़े तक चली जांच के बाद कोल्लम ईस्ट सर्कल इंस्पेक्टर वी सुगाथन, सब इंस्पेक्टर जी गोप कुमार और वरिष्ठ नागरिक पुलिस अधिकारी प्रसन्ना कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने 2 नवंबर 2012 को शहर के नेहरू पार्क इलाके से नवास को गिरफ्तार कर लिया।